टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिक्स इज द मटेरियल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। निर्माण कार्य में ईंटों का उपयोग हम जानते हैं। कहीं कहीं पत्थर यूज होता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, लेकिन ये वाइडली यूज होती है ब्रिक्स। इसमें एडवांटेज है कि अपने डिजायर्ड शेप का आपने बना लिया और जैसी भी बिल्डिंग चाहिए उसको आप बना सकते हैं। हर जगह वो स्टोन अवेलेबल भी नहीं है। ओल्ड टाइम आप स्टोन काफ़ी था तो अब उतना अवेलेबल भी नहीं है। तो एक तो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है वो अलग चैप्टर है। अभी ब्रिक्स के हम टाइप समझेंगे। तो जनरली ये एक अव्वल क्रास की ब्रिक है। तीन टाइप की ब्रिक्स जनरली बोलते हैं, चार टाइप की कह सकते हैं। तीन हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो ये मेन टाइप हैं। हालांकि इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बर्न्ट हो जाती है, नीली नीली सी हो जाती है, ज़्यादा जल जाती है तो टेढ़ी हो जाती है थोड़ी। इसमें थोड़ा सा असर है, ये थोड़ा सा असर है, देखिए तो ब्राउन नीला जैसा कलर आ जाएगा। अदरवाइज परफेक्टली जो ईंट पकी हुई रहती है उसका ये कलर रहता है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास की ईंट है जिसकी धार को सीधी हो, मजबूत हो, कलर ऐसा हो और जब टकराने पर मेटलिक साउंड आए। जैसे दो ईंटें हैं, इसको आप आपस में टकराएंगे, दिस साउंड, ये साउंड है, ये मेटलिक साउंड बोलते हैं। इस तरह की साउंड आती है, ये फर्स्ट क्लास की ईंट की पहचान है। इसके अलावा सेकंड क्लास की ईंट है तो उसमें इस तरह की साउंड नहीं आएगी, इससे हल्की साउंड आएगी। और क्लास थर्ड वाली और भी कम साउंड आएगी। स्ट्रेंथ में 1 मीटर अबव से अगर गिराते हैं तो इट्स नॉट ब्रेक। जैसे 1 मीटर लगभग है तो ये कोनोना टूट गया कोई बात नहीं, वैसे ही टूटनी नहीं चाहिए। तो इसको जनरली मानते हैं ये ठीक है स्ट्रेंथ। ये फील्ड की टेस्टिंग है एक्चुअल। आप मशीन में लगाएंगे फिर कंप्रेसिव टेस्ट देखेंगे, टेंसाइल टेस्ट देखेंगे, तो वो अलग है। फील्ड का टेस्ट ये है, आप 1 मीटर ऊंचे से अगर कराते हो तो ये टूटनी नहीं चाहिए। पक्की सरफेस में, कच्चे में तो नहीं टूटेगी, पक्की सरफेस में तो टूटनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट क्लास की ईंट की जनरल पहचान है। वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी का जो एब्जॉर्ब करते हैं वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 20% है, हालांकि वो भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। 22% है क्लास सेकंड की ईंट का और 24% है थर्ड क्लास की ईंट का। अच्छे परमानेंट निर्माण कार्य के लिए हम लोग अव्वल दर्जे की ईंट ही यूज करते हैं, यही करना चाहिए। हालांकि टेम्प्रेरी जो मकान जहाँ होते हैं तो दोयम दर्जे की ईंट और जो थर्ड क्वालिटी की जिसको बोलते हैं गांव की अलग लैंग्वेज में, इसको अव्वल दर्जे को अव्वल बोलते हैं। फर्स्ट क्लास की ईंट को अव्वल दर्जा, जो सेकेंड क्लास है उसको दोयम दर्जा और जो थर्ड क्लास की है उसको स्वयं ईंट बोलते हैं। जो काली सी रहती है, ज़्यादा हीट नहीं मिली रहती है, जो भट्टे बाहर की सरफेस में जो रहती है उसको प्रॉपर हीट नहीं मिलती है तो वो स्वयं ईंट होती है। पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जाती है, टूट भी जल्दी जाती है, 1 मीटर से गिराओगे तो टूट भी जाएगी, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो वो वाली ईंटें हैं। नाउ ईंट के पार्ट्स, ब्रिक के पार्ट्स हम देखें। ब्रिक के पार्ट्स में दिस पोर्शन इज कॉल्ड हेडर। ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं ये हेडर, एक उसमें इसको भी हेडर बोल सकते हैं, आप इसको भी हेडर बोल सकते हैं, दिस इज हेडर। ओके, और ये जो पार्ट है ये स्ट्रेचर, एक ये स्ट्रेचर है और ये स्ट्रेचर है, ठीक है, ये दो मेन हैं। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फ्रॉग, FROG फ्रॉग या डिल्ला। इसकी भी अपनी यूटिलिटी है, क्यों ये बनाते हैं इसकी भी अपनी ज़रूरत है। तो ये जो दिल्ला है इसका एक तो ये काम आपको दिखाई दे, पारस दिखाई दे रहा है किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, कंपनी क्या है और उसका नाम भी इसमें हो सकता है, एक तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा जो रोल है वो इसके अंदर जो मसाला भर जाता है तो दूसरी ईंट चिपक जाती है इससे, तो सबसे बड़ा रोल इसलिए है, तो एक लॉक की तरह काम करता है, दूसरी ईंट चिपक जाती है तो बॉन्ड अच्छा बनता है। तीसरा है जब मिस्त्री उठाता है तो ये ग्रिप का काम करता है, एक्सटेंड कम होते हैं गिरती नहीं, आप ये देखें ऐसे तुरंत हाथ वहीं पे जाता है, जैसे मिस्त्री उठाता है तो कैरिंग में अच्छा रहता है। तीसरा है थोड़ा वेट भी कम हो जाता है, अननेसेसरी वेट बढ़ा के क्या करना,
थोड़ा वजन भी कम हो जाता है। ये चार मेन पर्पस हैं ये दिल्ला बना के या फ्रॉक की, जैसे फ्रॉक बोलते हैं नीम बोलते हैं दिल्ला, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक पार्ट्स ऑफ द ब्रिक। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे जो चिनाई होती है, चिनाई कितने टाइप की होती है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लोजर के बारे में। कोई भी चिनाई होती है बिना क्लोजर के सक्सेसफुल नहीं होती है। क्लोजर की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज एक दीवार आप बना रहे हैं, एक ईंट ऐसी है, दूसरी ऐसी है, तीसरी ऐसी है, चौथी ऐसी है, पांचवी ईंट हमने बनाया इसके ऊपर लगा दी, ये इसके ऊपर लगा दी, या इस तरह से आप बनाते चले गए ऊपर तक दीवार बन गई ये। अब यहाँ कोई लोड डालते हैं तो ये इसके थ्रू इसी कोने पर है, तो ये ठीक नहीं है। इसमें क्या है, ये कोना दब जाएगा। जैसा उस दिन बताया था, लोड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी जॉइंट सीध में नहीं होना चाहिए, इसके लिए बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड हर एक उसमें बनता रहा, इसलिए क्लोजर का यूज होता है। तो कई टाइप के क्लोजर होते हैं जो वाइडली यूज होता है। क्वीन क्लोजर है, हर रद्दे में यूज होता है क्वीन क्लोजर। तो पिछले वाले वीडियो हमने दिखाया है क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, मिटर क्लोजर, कोई बात नहीं। तो ये सारे क्लोजर हैं, सेप हम आपको बताएंगे। तो ये बहुत सारे क्लोजर हैं जो आप यूज करते हैं बॉन्ड बनाने में। बॉन्ड किस लिए ज़रूरी है? जिससे कि लोड सारा डिस्ट्रीब्यूट होता चले, ठीक है। तो इसको फिर बाद में प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे किस किस टाइप की चिनाई होती है। इसमें आप देखिए सारी ईंटें ऐसी लगाएं, जब आप एक किनारे से देखते हैं इस साइड से, जब सारे हेडर दिखाई देते हैं दीवार, सपोज दीवार में सारे हेडर हैं, तो ये कौन सी चिनाई है? हेडर, हेडर वाली, जिसमें सारे हेडर हैं, ठीक है। मैसन वर्क, जिसमें कि सारे हेडर दिखाई अगर आपको देखते हैं दिखाई देते हैं, तो ये हेडर चिनाई है। और दूसरा अगर सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये वाली साइड दिखाई देती है, तो वो हेडर बॉन्ड है पहले वाला। अगर सारे इस तरह से हैं, सपोज ये दीवाल है, ये दीवाल ऐसे है, इस साइड से इधर से ले आके इस साइड से रिकॉर्डिंग इस साइड से कर लो, रोक के कर लो, ऐसे इस साइड से देखें तो सारे आपको स्ट्रेचर नजर आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेचर बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड था? हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड से भी पूरी दीवार बना सकते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड से भी पूरी दीवार बना सकते हैं। इस साइड में आपको सिर्फ स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, तो ये एक तरीका है। ये स्ट्रेचर बॉन्ड है आधी ईंट की दीवार का। दीवार की मोटाई कितनी होती है ये अलग अलग डिपेंड करता है आप कितनी बनाना चाहते हैं। आधी ईंट, क्वार्टर ईंट से लेके ढाई ईंट, तीन ईंट, और बहुत पुराने राजाओं के किले वगैरह चार ईंट की भी बनी, उससे ज़्यादा की भी बनेगी। जब भी आप बात करते हैं एक ईंट मोटाई, एक ईंट मोटाई मीन्स ईंट की मोटाई ये वाली काउंट होती है। अगर दीवार इतनी मोटी है तो दीवार कितनी ईंट की है? एक ईंट की है, ठीक है। और अगर इस तरह से ईंटें लगी हैं, छोटे दरवाजे इस साइड, अगर उसकी मोटाई इतनी है और आधी ईंट की है तो ये डेढ़ ईंट की है, ठीक है। अगर ऐसे है पूरी दीवार की मोटाई, मोटाई की बात कर रहे हैं, अगर मोटाई इतनी है तो ये दो ईंट की है, इसी तरह से मोटाई अगर इतनी है तो ये ढाई ईंट की है, और मोटाई अगर ऐसी है तो ये तीन ईंट की है। साफ बात, अब सब समझ गए। और इतनी है तो साढ़े तीन ईंट, और इतनी है तो चार, ठीक है, क्लियर। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, सिंपल है, ओके। अगर मोटाई इतनी है, ये दीवार की मोटाई है, तो ये आधी ईंट की है, ठीक है। मोटाई की बात कर रहे हैं, ईंटें तो पूरी ही लग रही है। अगर दीवार की मोटाई इतनी है, सपोज रनिंग बॉन्ड है, ये सारी बड़ी बड़ी ईंटें लगी थी, ये वाली ये दीवार है, ये आधी ईंट की दीवार है, ईंट तो पूरी लगी, आधी ईंट कैसे लगी? ये कितनी ईंट की दीवार है?
कैसे पता? ये तो पूरी है, कहाँ आदि आदि में, ये भी पूरी है, ये भी पूरी, ये भी पूरी, आदि तो एक भी नहीं है, फिर आदि कैसे है? अच्छा तो अब है पूरी ईट की, हाँ समझते नहीं हो, इसीलिए मोटाई से दीवार की मोटाई आप देख रहे हैं, ये जो मोटाई है वही बार बार रिपीट कर रहे थे, दीवार की मोटाई आदि ईंट जितनी है, इसीलिए आदि ईंट की है, ईंट को मत देखिए, थिकनेस, ठीक है, ये जो थिकनेस है ये आदि ईंट की है, इसलिए ये आदि ईंट है, ओके। ये अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और है चनाई, ऐसी भी ईंट आपने देखी होगी कहीं पार्टीशन वाल के लिए ऐसी ही, तो ये आदि से भी कम, चौथाई, 1/4, ठीक है, हाँ खड़े ईंट की दीवार बोलते हैं, खड़े ईंट में दीवार आप ऐसी भी बना सकते हैं, सारी ऐसी लगाते हैं, लेकिन ऐसी हम लोग नहीं लगाते, उसका कारण ये है बिकॉज इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम है, थोड़े से फोर्स में गिरेगी, इसलिए ईंट जब भी हम लगाएंगे मोस्ट स्टेबल कंडीशन की ईंट लगाते हैं, ईंट ऐसी भी नहीं लगाएंगे, ईंट हम ऐसी भी अवॉइड करेंगे, न लगे, न ऐसी रख लगाना है, न ऐसी लगाना है, न ऐसी लगाना है, ऐसी कोई भी आंधी तूफान आएगा, ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी ईंट की सबसे नीचे है, तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन किसकी ईंट की, ये है, ये कंडीशन है, इसी में सारी चिनाई करते हैं आप, ऐसी ही लगाते हुए जाएंगे, जब भी चिनाई करते हैं ये ऐसा ऊपर रहना चाहिए जिससे मसाला पूरा भरा जा सके, ये नहीं करोगे ऊपर से ऐसे जोड़ोगे तो क्या होगा, आपने नीचे मसाला लगाया ऊपर से इसको जोड़ रहे हैं तो एयर विल बी ट्रैप, हवा बीच में ट्रैप हो जाएगी, तो हवा हमेशा भरी रहेगी, तो वो बॉन्ड उतना चिपकेगी नहीं सीमेंट से, बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होगा, ठीक है। तो दो बॉन्ड आपने देख लिए, हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है, तीसरा है हेडर एंड स्ट्रेचर बॉन्ड, उसमें एक हेडर है एक स्ट्रेचर है, तो ये सारा मिला के चलते हैं, हेडर एंड स्ट्रेचर बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, एक लेयर हेडर की एक लेयर स्ट्रेचर की, एक लेयर हेडर की एक लेयर स्ट्रेचर की, ये इंग्लिश बॉन्ड है, सबसे मजबूत होता है इंग्लिश बॉन्ड, सबसे अच्छा माना जाता है, इंडिया में जितनी भी चिनाई है आज की डेट में वो सब इंग्लिश बॉन्ड की ही है, लेकिन यूरोप वगैरह में जो पहले होती थी वो फ्लेमिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या, एक ही रद्दे में आपको हेडर भी होगा स्ट्रेचर भी होगा, उसमें बहुत एक्यूरेसी की जरूरत है, स्किल बहुत अच्छी चाहिए, ईंटें सारी बढ़िया साइज की चाहिए, तब वो दीवार बनती है, लेकिन कॉमर्शियल उसमें हम लोग उसको नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा टेकिंग है और मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा है, काट के आपको लगानी पड़ती है, बहुत एक्यूरेसी चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए, काम करने वाला है बहुत ही स्किल्ड चाहिए, तब हो पता है, तो वो किसी की खुद की रिक्वायरमेंट हो, अच्छा स्ट्रेंथ भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इंग्लिश बॉन्ड में, इसलिए उसको वही लोग बनवाते हैं जो स्पेशल जिनकी इच्छा हो वही, हालांकि वो देखने में खूबसूरत लगती है दीवार, उसमें अल्टरनेट रहता है, एक हेडर फिर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर ऐसे रहता है, तो उसे प्लास्टर नहीं भी करते हैं तो भी दीवार अच्छी लगती है, तो कुछ ही लोग बनवाते हैं, यूरोप में पहले चला था, आजकल अवॉइड करते हैं बिकॉज प्लास्टर आ गया है, ऊपर प्लास्टर कर देते तो अंदर जो सी जो भी बंद हो जाता है, तो इंग्लिश बॉन्ड इज द बेस्ट, स्ट्रेंथ के मामले में इंग्लिश बॉन्ड सबसे मजबूत है। तो ये देखिए अब आपको बताते हैं, जो आपको सीवरी ईंट नहीं मिल रही थी ना वो आपको दिखाते हैं, थर्ड क्लास वाली ईंट, ये देखो सरकारी संरचना है, ये एक थर्ड क्लास वाली ईंट है, ये देखिए इजिली गिर रही है आराम से, पीली पीली होती है, बहुत पानी अब्जॉर्ब करेगी, ये देखिए ये टूट रही है अपने हाथ से, इधर दिखाओ, ये देखिए ये कलसा ईंट बोलते हैं, ऐसी ईंट को नहीं यूज करना चाहिए, टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ये ऐसे ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये तलसा वाली ईंट है, थर्ड क्वालिटी की, सेकंड थर्ड तलसा बोलते हैं, थर्ड क्वालिटी की ईंट, ओवर मतलब सॉरी जिसको हीट कम मिली है, कहीं ऐसे ही काली रंग काला हो गया है, धुआं लग गया है, उस टाइप की पीली पीली है, ये आप देख रहे हैं ये पीली पीली सारी, ये तलसा वाली ईंट है, बहुत पानी अब्जॉर्ब करती है, स्ट्रेंथ भी नहीं होती, टूट जाती, सेकेंड क्लास की ईंट इनको मान सकती है, सेकेंड क्लास की ईंट मान सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ है इससे, थोड़ा सही है लेकिन वो भी उतनी अच्छी नहीं है, तो
ये ईंटों के बारे में जो आपको वाली ईंटें नहीं दिखाई दे रही थी, ये है बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक लाइन हेडर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है, दोनों मिलके बना है, तो ये इंग्लिश बॉन्ड है। सारे बच्चों को दिखाएं, पूछे तो बताना सब लोग, ठीक है। ये लाइन में कौन सा बॉन्ड है? हेडर बॉन्ड है, शाबाश। और ये लाइन में कौन सा बॉन्ड है? स्ट्रेचर बॉन्ड है, शाबाश। दैट मीन सबकी समझ में आ गया, सबकी समझ में आ गया। इंग्लिश बॉन्ड की क्या विशेषता है? तो ये इंग्लिश बॉन्ड है, चलो गुड, ठीक। ध्यान दें, ये आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये रनिंग बॉन्ड है। आधी ईंट की दीवार थिकनेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कितनी मोटी दीवार है, आधी ईंट की दीवार है, ये रनिंग बॉन्ड है। स्ट्रेचर बॉन्ड तो आप जैसे बताए, सारा स्ट्रेचर बॉन्ड है, और ये रनिंग बॉन्ड है, जल्दी वो भी हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए, स्पेशलिटी कहीं भी जॉइंट सीध में नहीं है। ये आप ये देखिए, इसका जॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ है ना। लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? सपोज यहाँ इस कॉम पैर आपने लोड डाला, तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी ईंट पर आ गया, इस पर आ गया, दो पर आ गया, ठीक है। इसके बाद किस पर आ गया? देखिए यहाँ तक है, इस पर, इस पर, इस पर, तीन पर आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक दो तीन चार यहाँ तक पहुँच गया, फिर उसके बाद एक दो तीन चार पाँच यहाँ तक आ गया, लाइक दिस। तो ये नीचे आते आते लगभग पूरे में फैल जाता है, इसीलिए बॉन्ड की ज़रूरत है, ठीक है। बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि जैसे ये बिल्डिंग है, दिखाओ तो देखो, बिल्डिंग के इस कोने पर भी आप वजन रखेंगे तो वो नीचे आते आते वहाँ तक फैल जाएगा, उस साइड वहाँ तक फैल जाएगा। तो नींव के ऊपर दबाव इक्वल पड़ेगा, इसलिए बॉन्ड की ज़रूरत है, ठीक है। और ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं क्लोज़र कैसे लगाते हैं। इस वाली चिनाई में देखें, ये क्लोज़र है, पिन क्लोज़र, पिन क्लोज़र। मेन जो ईंट है आपकी, सपोज ये ब्रिक है, इसको अगर यहाँ से ऐसे 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 ये इस तरह से काट के निकाल दिया है, आधा आपके पास बच जाएगा, तो ये है पिन, अरे सॉरी गलत हो गया, ये ऐसे है, इस तरह से काट देंगे तो ये जो पोर्शन बचा है ये क्या है? क्वीन क्लोजर, ठीक है। तो इसको जैसे यहाँ इसको लगा दिया यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे लग गया क्लोजर। ईंट यहाँ पर एक है, फिर ये क्लोजर है, उसके बाद पूरी ईंट है। इस तरह देखिए आप, हर रद्दे में क्लोजर की जरूरत है। एक रद्दा ये है, इसमें ये क्लोजर है, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये इसमें देखिए, इसमें क्लोजर, इस वाइंड में क्लोजर हो सकता है, लास्ट में होगा वो क्लोज, इसलिए अच्छा डिस्टेंस अलग अलग करनी रहती है। तो चूंकि बंद करो इसको, बंद करो, ब्रिक के साइज पे हम जाएं तो हम बेटर वे वी बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लोजर। ब्रिक का जो साइज है, ये यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश इस एरिया की बनी हुई ईंटें हैं, स्टैंडर्ड साइज नहीं है, ये कॉन्वेंशनल साइज सब जगह चल रहा है। कुछ ईंटें उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, इनका साइज अलग है, छत्तीसगढ़ में बन रही उनका साइज अलग है, पंजाब में बन रही उनका साइज अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफर है डिपेंडिंग अपॉन लोकल कंडीशंस के ऊपर। जो स्टैंडर्ड है इंडियन, वो ये है 190, दिस लेंथ शुड बी 190 mm, ये 90 mm, ये 90 mm, ये 90 mm, 9 cm, ये भी 9 cm, ये 19 cm, मीन्स 190 mm, ये स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का। सीमेंट के साथ, सीमेंट आप जोड़ देते हो तो इसकी ये 190 है लंबाई, 5 mm सीमेंट इधर, 5 mm इधर, तो पूरा हो जाएगा 200, ओके। नाव जो दूसरी ईंट है उसकी चौड़ाई और मोटाई है 90 में 5 mm सीमेंट, अगली ईंट यहाँ एक आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, ये 90 की थी, मय सीमेंट की हो गई कितने की? 100 की। ये भी 90 की थी, मय सीमेंट की 100 की हो गई, तो 100 100 की दो हो गई, ये 200 की है ये,
मीन्स ए स्टैंडर्ड साइज की नहीं है, यूपी स्टेट में जो मिल रही है उसी से बनाई है। तो आप ये देखिए, ये तो हो गया है आपका क्लोजर, इस क्लोजर से एक साइड ये बन गई है, ठीक है। नाउ जो ऊपर से ऐसा दिख रहा है ये, उस साइड में जाएंगे, हाँ तो इधर देखें, जो इस साइड में अगर हेडर दिखाई दे रहा है तो अपोजिट साइड में स्ट्रेचर होगा। ये देखें, ये सारा हेडर है, इधर को हेडर, अपोजिट साइड है, इधर को स्ट्रेचर है। क्लोजर आपको यहाँ दिखेगा, ये रहा, ये है, ये दूसरे में भी क्लीन क्लोजर, हर हर रद्दे में एक क्लोजर की जरूरत है। साइड में क्लोजर देख रहे थे, ये क्लोजर था पहले में, दूसरे रद्दे में क्लोजर नहीं दिख रहा था इधर से, तो क्लोजर इधर से देखेगा इस साइड से। ये दूसरा रद्दा है, इधर क्लोजर यहाँ है, आप देख सकते हैं ये क्लोजर लगाया हुआ है, ये पिन क्लोजर। तो हर रद्दे में क्लोजर की जरूरत है, ओके। तीन क्लोजर सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी चिनाई होती है हर है, तो ये 1.5 इंच की चिनाई है, 1.5 इंच। ठीक आ रही है, हालांकि ऐसे आपको दो दिखाई दे रही है। अगला जो वो है, आप इस सर में ये देखिए स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, अगले में हेडर दिखाई देगा, फिर स्ट्रेचर दिखाई देगा, फिर हेडर दिखाई देगा। इसके ऊपर अगला रद्दा जो बनाएंगे वो ऐसे रहेगा, ऐसा ही फिर ऐसे, ठीक है। फायदा, क्योंकि बॉन्ड बनता चल रहा है, मजबूती रहती है। स्ट्रेंथ के हिसाब से 1.5 इंच की है, ये आप देख रहे हैं, अल्टरनेटली हेडर भी है और स्ट्रेचर भी है, वो है फ्लेमिश बॉन्ड, क्योंकि कम यूज होता है इंडिया में, तो जनरली नहीं यूज हो रहा है, यूरोप में पहले यूज होता था कम। आपको दिखाते हैं साइडो, इस केस में देखिए आप, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, लाइक दिस, ये फ्लेमिश बॉन्ड है। आप देख रहे हैं इसमें भी स्ट्रेचर, यूरोप कंट्रीज में यूज हुआ है, वहां का है, इंडिया में आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। वही यूज करते हैं जिसको स्पेशल चाहिए, हमारा बनाओ स्पेशल, कारीगरों की भी जरूरत है, स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। वेलकम, इधर आ जाइए। ये दिखाया है 1.5 इंच का, कौन सा, वो 1.5 इंच का इंग्लिश बॉन्ड था, ये 1.5 इंच का फ्लेमिश बॉन्ड है, ये वाला, इधर आ जाए, फ्लेमिश बॉन्ड में ही एक दीवाला आप निकाल रहे हैं, ये फ्लेमिश बॉन्ड की कैसे दूसरे से ज्वाइनिंग होगी वो दिखाया है, पूरा तोड़ दिया यहाँ से, नहीं तो आपको क्लोजर दिखाते। नाउ कम टू दिस, ये इंग्लिश बॉन्ड है सारा, पूरा एक लाइन देख रहे हैं, हेडर है सारा, फिर स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर है, नीचे आप देख रहे हैं ये फुटिंग्स, नीचे इधर ये फुटिंग्स है, इसलिए ये दीवार का जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे कि नी धसके नहीं, तो नी में फुटिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। नीचे ये देखिए इतनी चौड़ी दीवार है, अल्टीमेटली फुटिंग देके कम हो गई है ये, और ये ऊपर आके 1 इंच की दीवार है, इधर ही
सपोर्टिंग देते हुए लेके, और ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये लोड जो दीवार का है ये वाला रद्दा, ठीक है, ये पूरा हेडर है, हेडर 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 हेडर। अगर पूरी दीवार में ये हेडर ही हेडर होते तो ये सारी दीवार हेडर बोल्ड की होती। बोल्ड होता, ठीक है। अल्टरनेट हेडर और स्ट्रक्चर है तो ये इंग्लिश बोल्ड है। फ्लेमिश बोल्ड में क्या है, वो यूरोपियन में चलता था फ्लेमिश बोल्ड, उसमें एक हेडर, उसके बाद सॉरी एक स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ हेडर, उसका फिर स्ट्रक्चर, फिर यहाँ हेडर, ऐसे। ये वाला है, ये फ्लेमिश बोल्ड का है, ठीक है।